हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो दुबई D10 डिवीज़न वन का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा 7 डिस्ट्रिक्ट वर्सी पैसिफिक ग्रुप के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करें इस मैच के बारे में तो 7:45 पर मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा ICC अकेडमी दुबई में। बैलेंस सरफेस रहता है, एवरेज स्कोर 90 से 110 बनता है। 36 मैचेस यहाँ पर अब तक हो चुके हैं, 20 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 16 में चेज हुआ है। पहले बात करेंगे अपने यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स की टीम की। तो इनकी टीम पहले 4 मुकाबले हारी, उसके बाद में आखिरी मुकाबला इनकी टीम जीती थी। इनकी तरफ से जो आखिरी मैच हुआ था वहाँ पर ओपन किया था अब्दुल शकूर और मोहम्मद कासिफ ने। अब्दुल शकूर की बात करो तो देखो, पहले मैच में 0 हैं, फिर 19 हैं, फिर 34 हैं, फिर 1 है, फिर 8 हैं। तो 2 पारी इसने अच्छे खेली है, 3 मैच में ये जल्दी आउट यहाँ पर हुआ है। मोहम्मद कासिफ पहले मैच में 12, उसके बाद में 3 मैच खेला नहीं, आखिरी मैच में 0 पर आउट हुआ था। अब्दुल गफार ये हर मैच में 2 ओवर डालता है, साथ के साथ आपको बैटिंग भी करता नजर आएगा। लास्ट के 5 मैच में विकेट इसके नाम सिर्फ 1 है, लेकिन बल्ले से 22-0-2-12-9 हैं। फारूक मोहम्मद लेग स्पिन बॉलर है और बहुत बढ़िया बैटर भी हैं। लास्ट के जो 5 मैच इसने खेले हैं उसमें टोटल 5 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 6-0 नॉट आउट, 21-2 और 27 हैं। हफीज़ अलमाज इनका सबसे तगड़ा ऑलराउंडर आप इसे मान सकते हो। लास्ट के जो 5 मैच खेले हैं वहाँ पर 6 विकेट हैं और बल्ले से 38-8-11-18-54 नॉट आउट हैं। सज्जाद अली आएंगे यहाँ से, लेकिन ये ना नीचे बैटिंग करते हैं। सज्जाद अली नंबर 6 पर आ रहे हैं, पहले में 13, फिर 33, फिर 4, फिर 8, फिर 6 हैं। मोहम्मद सागिर इस मैच से पहले इन्होंने ओपन किया था, किसकी जगह जो कासिफ आए ना लास्ट मैच में ओपन, इनसे पहले यही ओपन कर रहे थे सागिर, और ओपन करते हुए इन्होंने 15-3-15-16 किए, लास्ट मैच में 1 पर आउट हो गए थे। साहिद नवाज एक और इनके बॉलर हैं, लास्ट के 5 मैच में इनके नाम 4 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 6 नॉट आउट, 1 नॉट आउट, 2 और 0 हैं। वहाब हसन 2 मैच खेलाए, पहले में 1, दूसरे में 0 हैं। वैसे तो एक बॉलर है लेकिन बॉलिंग इनको मिल नहीं रही। मोहम्मद जमीर ने भी यहाँ पर 5 मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डाले, इसको भी बॉलिंग नहीं मिल रही। ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 74 मैच में 104 विकेट, लेकिन अब तक बॉलिंग मिली नहीं है। हैदर अली मैंने आपको बोला था कि पहले 4 मैच में भले विकेट ले रहा हो लेकिन ट्रंप बनेगा, और बना, लास्ट मैच में 2 विकेट ले गया था। क्योंकि हर मैच में बंदा 2 ओवर डाल रहा है तो भाई गुच्छे में विकेट निकालने के पूरे आसार थे और ये चीज़ इसने कर दिखाई। अब देखो यहाँ से कौन इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, यहाँ से अब्दुल शकूर ठीक ठाक हैं, अब्दुल गफर, फारूक मोहम्मद, हफीज़ अलमाज, नीचे से साहिद नवाज, और अगर ट्रंप चाहिए आपको तो हैदर अली के साथ आप जा सकते हो, ये आपका ट्रंप बन जाएगा। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है उसके स्टैट्स आपको मिली जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे ए गफार, साहिद नवाज, हैदर अली, डेथ के ओवर डालेंगे एच अलमाज, हैदर अली, एम फारूक। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पैसिफिक ग्रुप की टीम की। इनकी टीम ने लास्ट के 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, 4 मुकाबले हारे हैं। जो इनका लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर फहाद नवाज और हमदन ताहिर ने ओपन किया था। फहाद नवाज ने ओपन करते हुए 29 रन भी किए, साथ के साथ 1 ओवर भी डाला था। हालांकि उस ओवर में विकेट नहीं मिला लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपन भी करेगा और साथ के साथ अगर 1 ओवर भी कम से कम डालता है तो बहुत तगड़ा पिक बन जाएगा। ओवरऑल 261 मैच में 65-70 रन, 29 का एवरेज, 187 विकेट हैं। हमदन ताहिर पहले में 19, फिर 8, फिर 7, फिर 0। देखो हमदन ताहिर ना वैसे तो एक बहुत तगड़ा बैटर है, इसने ना 100 तक लगाए हुए हैं, लेकिन भाई अभी इसका फॉर्म थोड़ा सा गंदा चल रहा है। राशिद हबीबुल्ला पहले 4 मैच खिला नहीं, आखिरी मैच में 6 रन थे। फयाज़ अहमद एक हिटर प्लेयर है, पहले मैच में 0, फिर 23, फिर 0, फिर 34, 34 की 2 अच्छी पारी है, अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से। मयंक चौधरी कुछ मैच में इसने ओपन किया हुआ है लेकिन लास्ट मैच में आया था नंबर 5 पर, पहले में 4, फिर ओपन करते हुए 59, उसके बाद में नीचे भेज दिया टीम ने 14-16-0। अगर इसको टॉप ऑर्डर में मौका देंगे तो अच्छा कर सकते हैं। अबे जोटीन 5-26-1-11-9 है लेकिन ये भी नीचे ही बैटिंग कर रहा है। इरफान उल्ला 2 मैच खेला है, पहले में 7 नॉट आउट, 0 विकेट है, दूसरे में 4 रन, 0 विकेट है, लेकिन दोनों मैच में इसने बॉलिंग करवाई है तो आप इसको GL में ट्राई कर सकते हो। 40 मैच में 254 रन, 46 विकेट है। मुदस्सर गुलाम पहले 3 मैच में 6 विकेट है लेकिन आखिरी के 2 मैच में विकेट लेस है, लेकिन ध्यान रखना लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और विकेट निकालेगा तब गुच्छे में ही निकालेगा।
आदिल मलिक जीएल का ट्रंप है, क्योंकि 4 मैच में अब तक तो विकेट लेस है, और आप इसको भाई किस बेसिस पे रखोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, स्पिनर है तो जिस दिन इसका दिन होगा गुच्छे में विकेट मिल जाएगा। मुजाहिद अमीन के नाम 5 मैच में 4 विकेट है, हिमायतुल्ला के नाम 2 मैच में 1 विकेट है, दोनों मैच में 1-1 ओवर इसको मिला है। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट कौन बन जाता है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से फहद नवाज इम्पोर्टेंट है, नीचे से यहाँ पर फयाज अहमद मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मयंक चौधरी ठीक ठाक है, इनके अलावा मुदस्सर गुलाम है और मुजाहिद अमीन या फिर आदिल मलिक में से कोई एक। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से किसी को चांस मिलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओर डालेंगे इरफानुल्ला, हिमायतुल्ला, मुदस्सर गुलाम, डेथ के ओर डालेंगे मुजाहिद अमीन, इरफानुल्ला, आदिल मलिक। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूं मैं यहां पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से अब्दुल शकूर को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने मयंक चौधरी, फहद नवाज, फयाज अहमद को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने हफीज अलमास, फारूक मोहम्मद, अब्दुल गफर को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से मुदस्सर गुलाम, हैदर अली, मुजाहिद अमीन और साइद नवाज को रखा है। कैप्टन मेरे हफीज अलमास, वाइस कैप्टन फारूक महमूद मोहम्मद है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम इस मैच की जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां पर ज्वाइन होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।